हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल डिश, और ऐसे ही नई नई डिश आपके लिए लाते जाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। ब्रेड रोल रेसिपी सुपर क्रिस्पी, इस तरह से आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से ब्रेड रोल बनाने का तरीका। यहाँ हमने 4 बॉईल आलू लिए थे, जिनको हमने अच्छे से मैश कर लिया है, हरी मिर्च, और यहाँ 2 प्याज मैंने चॉप कर ली थी, उसको डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च है ये, इससे कलर अच्छा आता है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, भुना हुआ जीरा डाला है इसमें, थोड़ी सी सिंपल वाली मिर्च जो तीखी लगती है, सादे वाली, और थोड़ा सा 1 स्पून के करीब यहाँ चाट मसाला, और 1 स्पून के करीब अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। नमक स्वाद अनुसार इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ ब्रेड क्रम्स भी डालने हैं, जो ब्रेड के एजिस होते हैं उसको काट कर उसे हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए, और फिर उसको इसमें मिक्स कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप थोड़ा सा उनको हल्का सा सोटे कर सकते हो 5 मिनट के लिए, जिससे उसमें थोड़ा कुरकुरापन आ जाएगा, और इसमें मिक्स कर लेना है। वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, ब्रेड क्रम्स ब्रेड रोल्स में ज़रूर डालते हैं, तभी ये हमारे टेस्टी और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कहीं नमक कम या ज़्यादा ना रहे। थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे, और अच्छे से थोड़ा थोड़ा इस पेस्ट को लेंगे, और इस तरह से गोल गोल रोल करके ऐसे छोटे छोटे रोल्स बना लेंगे। यह आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, इसको आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हो, या फिर इस तरह के बना सकते हो। सारे हमने ऐसे बनाकर रोल्स तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर लग रहा है, उतने ही टेस्टी और लाजवाब भी बनते हैं, और बहुत ही जल्दी, आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ ये वीडियो मैं 5 बजे शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों के ब्रेकफास्ट में मुझे देना है, और आज काफ़ी ज़्यादा बना कर देना है, क्योंकि बच्चों का टिफिन शेयर होने वाला है स्कूल में। यहाँ मैंने 1/2 कप के करीब मैदा ली है, इसमें 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे, और अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पानी अगर एक साथ डाल दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी, इसलिए मैदा में हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालो और अच्छे से मिक्स करते जाओ, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। ये हमारे ब्रेड को चिपकाने के काम आएगा। इस तरह का हमें इसे इसका बैटर तैयार कर लेना है, स्मूथ सा, ना ज़्यादा बिल्कुल पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा। अच्छे से हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है। अभी यहाँ हम ब्रेड लेंगे और उसकी एजिस काट लेंगे साइड की, यही हमारे ब्रेड क्रम में भी काम आ जाती है। इसको उठा कर रख सकते हैं 102 दिन तक के लिए, जब तक इसकी डेट है, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, और इसके बीच का हमारे काम आ जाएगा। साइड के सभी कॉर्नर को हम निकाल देंगे, इसी तरह हर पीस के कॉर्नर को हम निकालते जाएंगे। अभी हल्के से एक बेलन लेंगे, उसकी सहायता से हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे, उसमें बीच में रोल्स रखकर साइड से इसे इसमें थोड़ा सा जो हमने मैदा का पेस्ट बनाया था वो लगा देंगे, और इसको रोल कर देंगे। इससे इस पर इसको चिपकने में काफ़ी अच्छे से मदद मिलेगी, और साइड में ऊपर की तरफ भी इसको लगाकर अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि ये हमारा निकले ना। बहुत ही आसानी से ब्रेड रोल बन जाते हैं, और बहुत ही अच्छा और टेस्टी ये नाश्ता हमारा तैयार होता है। यह मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, थोड़ा बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली है, इस वजह से
आप सब ने देखना बंद कर दिया है, प्लीज़ चैनल पर आइए और सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से सारी ब्रेड को हम इसी तरह से सेट कर लेंगे और सबको धीरे धीरे, गैस को हमें यहाँ थोड़ा मीडियम से, मतलब हाई भी नहीं रखना है, हाई से थोड़ा लो फ्लेम पर रखना है। यहाँ ऑयल मैंने गरम करने रख दिया था और यहाँ इसको धीरे धीरे हम इस तरह से डाल लेंगे जिससे कि ये तेल छिटके ना, और हल्के से जो पहले डाली हुई थी उन्हें पलट लेंगे। जो अभी डाली है उसे थोड़ी देर बाद ही पलटना है, एकदम से नहीं उसको टच करना है। हल्के से जब इनका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा डार्क ब्राउन आ जाएगा, तब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत इस तरह से हल्के हल्के हमें इन्हें हिलाते रहना है ताकि इनकी चारों तरफ से ये अच्छे से सिक जाए। ऐसा नहीं है डाल के छोड़ नहीं देना है, हल्के हल्के से हम इनको इसी तरह से निकालते हिलाते जाएंगे और ये चारों तरफ से हमारे बहुत ही अच्छे से सिकते चले जाएंगे। आप देख सकते हो कलर पहले से चेंज हो गया है। वाओ, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारे ये बनकर ब्रेड रोल्स तैयार होते हैं। कमाल की रेसिपी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। सुबह आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, टी टाइम पे यूज कर सकते हो, अगर कोई गेस्ट आए तब भी आप इसको बना सकते हो। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाते हैं। ऐसे ही सारे हम ब्रेड रोल्स बनाते जाएंगे इसी तरह से और सबको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सैलो फ्राई भी कर सकते हो, या मैंने डीप फ्राई किया है। कलर आपके अकॉर्डिंग है, आपको इसका थोड़ा डार्क ब्राउन रखना है या कैसा। मस्त हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हो। इसी तरह से आप भी घर में बनाएं और इन्जॉय कीजिए। अभी यहाँ हमने एक साथ चार से पांच डाल दिए हैं, हल्का सा थोड़ा चिपक गए हैं, धीरे धीरे इनको हम हटा देंगे। अभी जो साइड में डले हैं उसको एकदम नहीं हटाना है, नहीं तो थोड़ा ब्रेड इधर का उधर हो जाएगा। हल्के हल्के से हटा देना है और इस तरह से हल्के से इन्हें हम चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से हमारे ये बॉल्स अच्छे से सिक जाए। मस्त बनकर हमारे तैयार होते हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको बना लेते हैं। अच्छे से इनको ऐसे ही हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से बड़े अच्छे से पके। थोड़ा थोड़ा अभी इसको साइड से कर देंगे, अंदर की तरफ से अच्छे से बन चुके हैं। हल्के से इसी तरह से सबको अलटते पलटते रहेंगे। मस्त हमारे ये बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है। अभी जिस जिस का कलर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे हम निकालते जाएंगे जो जो बनते जाएंगे। हल्का हल्का, वाओ अमेजिंग कलर आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से आप भी घर में बनाएं और एंजॉय कीजिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हो कितने कमाल के बनकर हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हुए हैं। मस्त और लाजवाब ब्रेड रोल्स हैं, इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।